हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रवि कुमार। टुडे वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉफ्टनिंग पॉइंट होता क्या है। हम यहाँ पर क्या है बिटुमन का सॉफ्टनिंग पॉइंट डिटरमाइन कर रहे हैं, इसका यूटिलाइज़ क्या है, इसे हम क्यों करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पॉइंट हम बिटुमन का इसलिए करते हैं क्योंकि बिटुमन को आप जब भी यूज़ करते हैं, आपने भी देखा होगा बिटुमन को हमेशा गर्म करके यूज़ किया जाता है। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट से हमें पता चलता है कि बिटुमन इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आकर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे बिटुमन का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, वो पतला होता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है टेस्ट के हिसाब से कि ये हमारी बिटुमन इस टेम्परेचर पर सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। तो इससे क्या आया, हमारे पास एक एपरेटस होता है रिंग एंड बॉल एपरेटस। इसका जो डाया है ये हमारा 9.5 है, वेट लगभग 3.5 ग्राम के करीब होता है। ये हमारी रिंग है, इस रिंग का जो टॉप का डाया रहता है वो रहता है 17.5। एक ये हमारी छोटी वाली, इसका डाया होता है इनर 15.9। तो हम बिटुमन सैंपल इसके अंदर फिल करते हैं और इसको इस तरीके से लगा के इसके अंदर बिटुमन भर के हम क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर पुट कर देते हैं। इसका जो हमारा डेप्थ रहता है वो 6.4 mm। तो ये पूरा सेटअप है, आप देख सकते हो इसकी जो डेप्थ रहती है वो रहती है 25 mm और ये रहता है हमारा 50 mm। तो हम क्या करते हैं, इन रिंग को यहाँ पर सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद इसे इसके ऊपर रखते हैं, यहाँ पर बिटुमन सैंपल भरा हुआ होता है। इसे ऊपर रखने के बाद इसे पूरे को हम यहाँ पर डिप करा देते हैं। ये हमारा 9.5 यहाँ हमारा वाटर भरा हुआ है, तो इसको इस तरीके से रख देते हैं अंदर। तो क्या है, हमारा पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो जो बिटुमन सैंपल है वो भी इसके अंदर गर्म होने लगेगा। ये हम आपको करके दिखाएंगे। तो क्या होता है, बिटुमन सैंपल गर्म होगा तो जो वॉल है वो नीचे आने लगती है। तो हमें वो टेम्परेचर नोट करना है जिस टेम्परेचर पर जो हमारी 9.5 mm डाया की छोटी सी बॉल है वो यहाँ आ जाए, उस टेम्परेचर को हमें नोट कर लेना। वो हमें क्या करना है, जो रिंग है उनकी इनर साइड में ग्लिसरीन लगा लेनी है और जहाँ सरफेस पर, जिस सरफेस पर आप उनको पुट कर रहे हो वहाँ भी ग्लिसरीन लगा लेनी। उसके बाद क्या है, इसके अंदर बिटुमन सैंपल फिल कर देना है। अब क्या करना है, इसे लगभग आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा कंप्लीट सेटअप है, ये पूरा सेटअप हमें यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर फिक्स किया और एक हमने यहाँ फिक्स किया, यू कैन सी आई थिंक दो है। तो सर दो क्या कर रहा है ये पूरा असेंबली, क्या करना है हमें पानी के अंदर पुट कर देनी है, क्योंकि बिटुमन हमारा रूम टेम्परेचर पर है। तो जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा बिटुमन का भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो एक पर्टिकुलर हमारा पॉइंट ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर पर जो स्टील की वाल है वो यहाँ से चल के यहाँ 25 mm की डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आ जाएगा, उसी टेम्परेचर को हमें नोट कर लेना है यहाँ डिजिटल स्केल पर कि वो कितना टेम्परेचर होगा। दिस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमन। हमारा डिजिटल टेम्परेचर स्केल है, यहाँ हमें टेम्परेचर पता चल जाएगा। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ फिलहाल, पूरा कम हो गया सर, कम किया है मैंने क्योंकि पानी मिक्स हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर जो हमारी बॉल थी जैसे मैंने आपको बताया था वो नीचे आने लगेंगी दोनों बॉल, उसी टेम्परेचर को हमें नोट कर लेना है। हो सकता है कि एक बॉल पहले आ जाए, दूसरी बॉल 2-4 सेकंड बाद आए, तो हमें दोनों का एवरेज लेके रीडिंग नोट कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं जो हमारा एक बॉल है वो नीचे आ चुका है, दूसरा नहीं आया, कोई नहीं, दूसरे का भी हम देखेंगे कितने टेम्परेचर पाएगा, तो दोनों टेम्परेचर का एवरेज ले लेंगे। दोनों का आ गया भाई 60 देखें आप देख सकते हैं। तो हमारा सॉफ्टनिंग पॉइंट निकल के आ चुका है, जो दोनों टेम्परेचर है उनका मैं एवरेज ले लेना है, मैं सॉफ्टनिंग पॉइंट पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।